हाँ तो दोस्तों, ये है क्वांटम यूएसबी हब। ये एक सिंपल प्रोडक्ट है, बट इसकी तीन जो सबसे मेन बातें हैं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान सबसे पहले लाना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप इसे ले रहे हो तो ये बात ध्यान में रखना। पहली बात कि इससे जो 3 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है ये उसे सपोर्ट तो करता है, बट अगर आप कोई प्लग इन या प्लग आउट करते हो कंप्यूटर में, या फिर वो फ्रीक्वेंटली डीअटैच होती रहती है अपने कंप्यूटर से। 3 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मेरी है डब्ल्यू डी की तरफ से, ये जो है ये इस पर रेगुलरली या फिर कंटिन्यूसली नहीं चल पाती है। हाँ, जब ये चल रही होती है तो इस पर जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है और ईज होता है, जल्दी जल्दी आप सारे काम कर सकते हो। अब आते हैं दूसरी बात पर, अगर आप माइक का यूज़ करते हो अपने कंप्यूटर में तो आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसमें थोड़ी झिरझिर की आवाज़ आएगी, जैसा कि आप ऑडियो में सुन सकते हो। मैंने उस ऑडियो को अटैच कर दिया जो मैंने इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करी थी यूएसबी हब से, तो जैसा कि आप सुन पा रहे हो। हाँ तो यार, ये जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है ये हमारी हो रही है क्वांटम यूएसबी हब के थ्रू माइक्रोफोन से, और सेम माइक्रोफोन मैंने बाद में अपना जो लैपटॉप का यूएसबी पोर्ट है उस पर यूज़ करा है। आप डिफरेंस देख सकते हो, बाकी जो वीडियो है मैंने अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट पर शूट करी है, बस ये जो हिस्सा है, ये जो वीडियो का हिस्सा है, ये मैंने क्वांटम यूएसबी हब के थ्रू माइक्रोफोन को अटैच करके रिकॉर्ड करा है, तो आप डिफरेंस अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये जो रिकॉर्डिंग थी ये यूएसबी हब से की गई रिकॉर्डिंग थी, आपको आपने उसमें सुना होगा कि थोड़ी झिझिर की आवाज़ आ रही थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अब ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ माइक्रोफोन सेम है, बट जो मेरा यूएसबी पोर्ट है वो मैं अपने कंप्यूटर का यूज़ कर रहा हूँ। अब आते हैं इसकी तीसरी बात की तरफ। तीसरी इसकी मेन बात ये है कि आप जब इस पर अपनी हार्ड ड्राइव लगाओगे, अब चाहे अगर आपकी हार्ड ड्राइव 1 टेराबाइट की ही है, लेकिन आप इस पर सिर्फ 1 टेराबाइट की एक हार्ड ड्राइव एक टाइम में लगा सकते हो, या फिर 2 टेराबाइट की अगर ये सपोर्ट करता है तो, क्योंकि मेरे पास 2 टेराबाइट कोई भी हार्ड ड्राइव नहीं है तो मैं नहीं बता सकता कि 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव इस पर लगातार कॉन्टिन्यूसली वर्क करेगी नहीं करेगी। हाँ, बट 1 टेराबाइट की एक हार्ड ड्राइव एक बार में सपोर्ट करता है, ये बात आप ध्यान कर लो। अगर आप इस पर 2 हार्ड ड्राइव लगाते हो 1 1 टेराबाइट की तो वो काम नहीं करेंगी, ये बात मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर आपको कोई ऐसा पोर्ट चाहिए जिसमें आपको मल्टी हार्ड ड्राइव्स एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स लगानी हो, तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड पोर्ट है वो पोर्टोनिक्स का है, नीचे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और दोस्तों, चलिए हम वापस चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो हमारा प्रोडक्ट है ये काफ़ी छोटा है, प्यारा सा दिखता है, और अगर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप जो माउस और कीबोर्ड के तार हैं या फिर और जो एक दो जो छोटे मोटे डिवाइस आते हैं, यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह जो आती हैं, उन्हें बस ऐसे ही लगाना चाहते हो, अपने कंप्यूटर के पोर्ट को बार बार नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हो वो लगातार उसी में लगा रहे, और जब आप अपने लैपटॉप को टेबल पर से उठाओ तो ईजिली उठा लो। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा तीन तीन पॉइंट के बाद, वो ये है कि ये यूएसबी 2.0 पोर्ट है, तो इसके अंदर जो स्पीड आपको लिखी मिली है पैकेज पे वो 480 मेगाबिट्स है, बट एक्चुअली में जो इसकी स्पीड आपको मिलेगी वो मेगाबाइट्स में मिलती है, एमबी में। तो वो जो स्पीड आपको मिलेगी वो 40 एमबी की मिलेगी, मैक्सिमम 40 एमबी पर सेकेंड की मिलेगी, बी विद कैपिटल बी, समझ रहे हो ना। अब आ जाते हैं हम इसके सीधे प्रोडक्ट पर। तो दोस्तों, प्रोडक्ट जो है जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही छोटा प्रोडक्ट है, आपकी एक उंगली के बराबर होगा, एडल्ट की जो उंगली होती है बस उसके बराबर एक प्रोडक्ट है। इसकी जो केबल की लंबाई है वो लगभग 65 सेंटीमीटर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 65 सेंटीमीटर का एक धागा काट के कि आपको उसे कहाँ प्लेस करना है। और अच्छी बात यह है कि आप इसे बहुत ईजिली पीछे की तरफ टेप भी लगा दोगे, इसके तरफ फॉर्म टेप यूज़ कर लेना, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है ये फॉर्म टेप होता है। आप इसके दोनों तरफ आपको स्टिकीनेस मिलेगी, तो आप एक लेयर इस पर लगा देना और दूसरी लेयर अपने क्वांटम पे जो यूएसबी पोर्ट है उसे वहाँ लगा देना, जहाँ पे भी आपको इसे स्टिक करना हो। अब हम दोस्तों इसकी बात करें प्रोडक्ट की, तो ये दो तरह का मार्केट में अवेलेबल है, एक तो ये क्यूबॉइडल शेप में है सिंपल जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है, और एक ये फ्लैट क्यूबॉइडल शेप में आता है जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। तो ये दो तरह में अवेलेबल है। अब इन दोनों के लिंक्स मैंने आपको नीचे दे रखे हैं, आप इन्हें जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। वैली ये सबसे प्यारा, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, सबसे प्यारा यूएसबी हब मेरे को लगा है सस्ते में। और वैसे आप चाहो तो जो मैंने डाउनलोड में जो लिंक दे रखी है नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन में, वो काफ़ी महंगे वाले भी हैं। वेल, अगर आपको यूएसबी सी हब चाहिए हो तो एक जो सबसे बेहतरीन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है वो पोर्टोनिक्स का है, बट उसकी दिक्कत यही है कि उसकी जो केबल की लेंथ है वो शायद लगभग इससे आधी है, 30 सेंटीमीटर की, इस वजह से मैंने उसे अभी तक परचेज नहीं कराया, बट हो सकता है बाद में करना पड़े। वेल थैंक्स। हाँ तो दोस्तों, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल मत जाना, और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों, टिल देन, चीयर्स, हैव अ नाइस डे।